जब भी नीट की एग्जाम हुई उसके बाद से ही कुछ ना कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज इस नीट की एग्जाम के आगे पीछे चालू है। कहीं पेपर लीक हुआ, कहीं ये हुआ, कहीं वो हुआ, और जब अब कट ऑफ आ भी चुके, नीट के स्कोर आ चुके, तब कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली हाई है। पता नहीं चल रहा है कि रियलिटी है क्या इसके पीछे की, क्योंकि कट ऑफ जितना हम सोच सकते थे उससे बहुत 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 हाई है। 660 के आसपास कट ऑफ आ रहा, हमने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। ये बहुत अनरीजनेबल चीज है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ धांधली हो रही है यहां पे। पता नहीं चल रहा है कि क्या कैलकुलेशंस चल रहा है। या तो एनटीए क्लेरिफिकेशन दे, या तो फिर ये जो धांधली हुई है उसके बारे में बताए, क्योंकि हर बच्चे का बचपन से सपना होता है कि वो डॉक्टर बनेगा एक दिन। उसके लिए वो 2-3-4-5-6 साल तक लगा रहता है नीट की एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि यहां पे तो स्कोप ही इतना है। गवर्नमेंट के कॉलेज में मेडिकल कॉलेज की सीट भी कम है। कैसे उस बच्चे को आप जवाब दे सकते हैं जब उसके साथ ऐसी नाइंसाफी होती है। हम अभी आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं कि प्रॉब्लम हुई कहां पे, ठीक है। ये उस बच्चे की मेहनत, 2-3-4 साल की मेहनत, रात दिन एक करने की मेहनत, उसके पेरेंट्स के खून पसीने की मेहनत, जमा पूंजी सारी लग जाती है उस बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को पूरे करने के लिए, और यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि कुछ अनरीजनेबल मार्क्स दिख के आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी हमने जस्ट इसमें ही एप्लीकेशन नंबर डाल के 2 रिजल्ट निकाले। एक बच्चा जिसका 719 स्कोर आ रहा है, इट इज नॉट अबाउट दैट स्पेसिफिक स्टूडेंट, ये उस बच्चे के बारे में नहीं है, ये है सिस्टम के बारे में। 719 पॉसिबल कैसे है, 718 पॉसिबल कैसे, ये स्कोर आ ही कैसे सकते हैं। या तो सारे क्वेश्चन करो तो 720 हो गए, एक क्वेश्चन कम करो 716 हो गए, एक क्वेश्चन रॉन्ग करो 715 हो गए, बोनस मार्क्स कहीं ना कहीं आ जाते तो भी 718 बन पाता या फिर 719 बन पाता, दोनों नंबर्स नहीं पॉसिबल है। तो ये एक अनरीजनेबल स्कोर है, और आप यहां पे देखोगे भी कि एनटीए ने जो प्रेस रिलीज किया उसमें आप देख सकते हैं कि 67 तक तो फर्स्ट रैंक कर रही, यानी कि सारे 720 में से 720 वाले, और 68th रैंक वाला जो बच्चा है वो आपको मैंने यहां दिखाया, 68th रैंक वाला 719 के साथ बैठा है। ये देखो 68th रैंक है उसका ऑल इंडिया पे, और वो 719 का स्कोर है उसका, और जिसका 69 स्कोर है, ये उसी की हमारे पास स्कोर कार्ड है, 69th जो इसका रैंक है उसका 718 स्कोर आ रहा है। यानी कि ये स्कोर पॉसिबल हुए कैसे, ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रही है उसमें। एनटीए ने क्लेरिफिकेशन देना तो छोड़ो पेपर लीक के मामले में, वो तो अलग ही बात है कि कौन अरेस्ट हुआ कौन नहीं, ये सारी चीजें। अभी एक वापस नई चीज आ गई है, ये एक बहुत हद तक नाइंसाफी हो रही है बच्चों के साथ में। या तो एनटीए अभी इसको क्लेरिफाई करिए, या तो फिर यहां पे बच्चों के साथ जस्टिफिकेशन देके बच्चों के साथ जस्टिस दीजिए, बच्चों को जस्टिस दीजिए। ये बहुत जरूरी है कि हर एक वो बच्चा जो दिन रात मेहनत करता है, जिसका सपना है डॉक्टर बनना, उसके साथ ऐसी ऐसी दिक्कतें ना आए, ठीक है। क्योंकि एक भी फेयर कैंडिडेट के पास से अगर हम कुछ भी अनफेयर करा देते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का नुकसान नहीं है, वो पूरे समाज का, उस पूरे ये पूरे देश का नुकसान है। तो कहीं ना कहीं एनटीए को इस चीज के बारे में क्लेरिफिकेशन देना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी दिक्कत हुई है और हमें सबको मिलके इसके बारे में लड़ना है बेटा। वी हैव टू रेज आवर वॉइस, हम सबको आवाज उठानी पड़ेगी इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये कहीं से भी एक्सप्लेनेबल नहीं दिख रहा है। हमने कई टीचरों से बात की, ये कैसे पॉसिबल हो रहा है ये स्कोर, ऐसा नहीं कि बस हमने देखा और हमने सोचा कि कुछ ना कुछ होगा, ये नहीं। हमने काफी टीचरों से बात की, जो एक्सपीरियंस टीचर्स है उनसे बात की, लेकिन किसी के पास इसका क्लियर जवाब नहीं है कि ये पॉसिबल कैसे हुआ 68th रैंक वाला और 69th रैंक वाले के स्कोर में 718 और 719 कैसे आ गए उनके मार्क्स। आपको पता है इसके बारे में बताइए हमें कमेंट बॉक्स में, बट शायद आपके पास भी इस चीज का कोई जवाब नहीं रहेगा। ये चीज बताते काफी दुख हो रहा है हमें, काफी पीड़ा हो रही अंदर से कि बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार हो रहा है, उनके सपनों के ऊपर इस तरीके से स्कैम किए जा रहे एक तरीके से। तो काफी दुखद चीज है ये, लेकिन हाँ हम सबको आवाज उठानी है, वी हैव टू फाइट, हमें लड़ना पड़ेगा इस सब चीजों से, हमें हमारी आवाज उठानी पड़ेगी और हमें बताना पड़ेगा कि ये नहीं चल सकता। हर साल नीट की एग्जाम में कोई ना कोई दिक्कत होती है, कहीं पेपर लीक हुआ, कहीं ये हुआ, कहीं वो हुआ, कब तक चला सकते हम ऐसा, है ना, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है। ये एक और प्रॉब्लम हम नहीं झेल सकते हमारे नीट के रिजल्ट में।
जरूर अपना आवाज उठाइएगा कमेंट बॉक्स में, आप जरूर आपको जो भी लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड प्लीज रिमेंबर, वी आर विद यू, डॉक्टर अड्डा की पूरी टीम आपके साथ है।